पूरा पूरा एक घंटा यहाँ जंगल में भटकने के बाद अब मुझे रास्ता दिखा है। और देखें मेरी क्या हालत हो गई पैंट में, देखें ये क्या लग गया ये पूरे पैंट में, ये देखें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द न्यू यात्रा। और आज हम जाने वाले हैं अजयगढ़ फोर्ट, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील है अजयगढ़, वहाँ पे है। शुरुआत करते हैं हम ये सीढ़ियाँ चढ़ने से, 600 सीढ़ियाँ चढ़नी है और इसके बाद तकरीबन 800 फीट के बाद हम पहुँचेंगे हिल टॉप पे। शायद आपको दिख रहा हो, हमें वहाँ जाना है। और इन 600 सीढ़ी जाने में बहुत थकान होती है, तो चढ़ने के पहले मैं आप लोगों को कुछ ज़रूरी बातें बता दूं। आपको पानी की बोतल कंपलसरी लेके जाना है, क्योंकि ये बहुत ही ऊंचा है और आप चढ़ते चढ़ते थक जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप जब भी घूमने आएँ तो आप बहुत ज़्यादा थक जाएँ और आपको बहुत प्यास लगे। ये अभी अगर मानसून का टाइम होता तो ये सारा जंगल हरा भरा होता। बस यहाँ चढ़ने का एक ही ड्रॉबैक है, और वो है कि हमें यहाँ बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ना होता है, जो कि बहुत थकान भरा काम है। आपको बस चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है और चढ़ते जाना है। ये एक वॉच टावर है, चलते हैं वहाँ, देखते हैं क्या है ऊपर से। वाह, आप चारों तरफ देखें, पहाड़ पहाड़ आपको दिखेंगे। और वो है फोर्ट, अब ज़्यादा दूर नहीं बचा, हम लोग काफ़ी हद तक चढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा ही बाकी है। अब हम आ गए हैं फाइनली इस फोर्ट के मेन एंट्रेंस गेट तक। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, टिंटन है। Hey, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5-sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5-sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? इन चट्टानों से और ये पेड़ों की जड़ों से रिसता हुआ पानी आता है यहाँ पे। यहाँ पे वो दो कुंड है, एक का नाम गंगा है और एक का नाम जमुना है। इट्स नॉट यमुना, इट्स जमुना, लोकल पीपल कुछ ऐसे ही इसको प्रोनाउंस करते हैं। ये है वो कुंड, यहाँ से आप पानी ले सकते हैं और ये पानी कभी भी ख़त्म नहीं होता, कभी भी ये पानी सूखता नहीं है। बारिश हो, सर्दी हो या फिर गर्मी हो, पानी हमेशा ऐसे ही होता है। और ये पाइपलाइन देखें, ये पानी पूरा ऊपर सप्लाई होता है इससे, इसके बाद भी कभी पानी की कमी नहीं होती, सारा पानी यहाँ से जाता है, सारे लोग यहाँ से पानी लेते हैं। और ये गंगा है और यहाँ थोड़ा सा अंदर आए, और ये जमुना है, दोनों में सेम पानी होता है। बहुत ज़्यादा अंधेरा है, शायद आपको दिख नहीं रहा हो, ऐसे यहाँ अंधेरा होता है, मैं ज़्यादा आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि अभी मेरे पास कुछ लाइटिंग वगैरह नहीं है, बट जो भी है आप यहाँ देख लें। और ये हो सकता है यहाँ पे काफ़ी, मैं ऐसा बोल तो नहीं सकता बट शायद काफ़ी सुरंग हो या बहुत ज़्यादा गहरा भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी अंदर तक है ये। मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखें अगर आपको कुछ दिखे, मैं बहुत ज़्यादा अंदर तक तो नहीं जाने वाला। ये देखें, दोनों कनेक्टेड नहीं है, दोनों एकदम अलग अलग है। ये जमुना है और ये आप देखें, यहाँ पे कुछ लैंग्वेज लिखी हुई है, अब वो मैं नहीं बता सकता क्या लिखी है, बट देखें
ये यहाँ पे ऐसे बहुत सारे आपको शिलालेख देखने मिल जाएंगे, बहुत सारे स्कल्पचर्स देखने मिल जाएंगे। अभी चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ पत्थरों पे बहुत ज़्यादा शानदार शानदार यहाँ पे कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, जो खूबसूरती है अभी अभी चल के ऊपर देखने मिलेगी। और थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ, यहाँ से थोड़ा पानी ले लूँ बस, फिर चलते हैं। लेट्स गो। 600 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद और मेन एंट्रेंस में आने के बाद आपको कुछ सीढ़ियाँ और चढ़नी होंगी, और इस सीढ़ियों के रास्ते में आपको कुछ शानदार कलाकृतियाँ नज़र आएंगी। कितनी शानदार ये पत्थर में शिल्पकारी की गई है, कितने बढ़िया आर्टिस्ट रहे होंगे वो जिन्होंने पत्थरों में इतनी शानदार मूर्तियाँ बनाई हुई। अब देखें, यहाँ आपको रास्ते में चारों तरफ आपको ऐसे देखने मिल जाएंगी, सब जगह ये कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। आप यहाँ पे ये लिपि देखें, जगह जगह ऐसी लिपियाँ यहाँ पे लिखी हुई हैं जो शायद अभी तक पढ़ी नहीं गई हैं, जिन्हें डिकोड नहीं किया गया है, और आपको ऐसे संभल के जाना चाहिए। आप यहाँ देखें, ये तालानुमा आकृति बनी हुई है और इसके ऊपर ये चाबी बनी हुई है। इसको रिलेट ऐसे करते हैं, यहाँ के बारे में एक ऐसी कहानी कही गई है, ये जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है, ये लिपि जो लिखी गई है, यदि इसको कोई पढ़ लेता है तो ये ताला चाबी खुल जाएंगे और यहाँ पे छिपा अथाह संपत्ति उसको मिल जाएगी, जो खजाना है यहाँ का वो उसको मिल जाएगी। ऐसा ये मैं नहीं कहता, यहाँ के लोकल लोग कहते हैं ऐसा, कि अगर आप इस लिपि को पढ़ लेंगे तो ये ताला चाबी खुल जाएगी और आपको यहाँ छिपा हुआ सारा का सारा खजाना मिल जाएगा। और अब हम आ गए हैं फाइनली ये इस किले के मेन दरवाजे पे। ये देखें, लकड़ी का कितना भारी बड़ा दरवाजा बना हुआ है, ये खोला नहीं जाता, शायद पहले कभी खोला जाता होगा बट अभी थोड़ा सा ये जर्जर हो चुका है, तो इस वजह से इसको बंद ही रखते हैं। इसके नीचे से हम चलते हैं और फाइनली अब हम इस किले में एंटर हो गए आए। गेट से अंदर आते ही आपको ये दरगाह मिलेगी, और मैं अब आपको दिखाता हूँ एक तोप, एक रियल तोप। देखें, ये एकदम सॉलिड आयरन की बनी हुई है, बहुत ज़्यादा वजनी होगी ये तोप, और इस पे भी कुछ लिपियाँ लिखी हुई हैं, ये देखें। देखिए कितनी कितनी लंबी है ये तोप, और ये एक रियल तोप है, बस इस पे स्टैंड लगता होगा और यहाँ पे इसका गोला, और बस अब मैं इस फोर्ट की सबसे शानदार जगह, यहाँ से जो टॉप व्यू आपको मिलेगा वो मैं दिखाने वाला हूँ, तो देखें। अब हम चल रहे हैं भूतेश्वर की तरफ, इस बार हमें एकदम जंगल से होके जाना पड़ेगा, और ये अभी पतझड़ का मौसम है तो आप देखें यहाँ कैसे पूरे में पेड़ों से पत्ते झड़ चुके हैं और सिर्फ सूखे पेड़ बचे हैं। ये हैं, हम ऐसे बीच जंगल में जाएंगे। आप देखें ये जो बाउंड्री लाइन बनाई गई है, यहाँ पे शायद सैनिक होते थे और ये यहाँ पे उनका बंदूक होती थी, निशाना साधे हुए होते थे ताकि वो अपनी रक्षा कर सकें और सामने वाले दुश्मन पे हमला भी कर सकें। अभी हम उस पहाड़ जाने वाले हैं, वहाँ पे है भूतेश्वर सुरंग, चलते हैं हम बस इस तरफ, और तब तक आप मज़े लीजिए इन नज़ारों के।
यहाँ से हमें नीचे जाना है। भूतेश्वर जब भी आप लोग उतरें तो बहुत सेफ्टी के साथ उतरें और बहुत ध्यान से उतरें, क्योंकि ये जगह थोड़ी सी रिस्की है, काफ़ी ऊंचाई से हमें उतरना होगा। यहाँ आने के बाद आप देखें ऐसे पूरे पहाड़ के नीचे और गुफा के अंदर यहाँ भगवान शिव का मंदिर है, शिवलिंग है यहाँ पे, हनुमान जी भी हैं यहाँ पे। ये उसके अंदर गुफा गई हुई है काफ़ी बड़ी, और ऐसे जाना ठीक भी नहीं होगा इसलिए अंदर नहीं जाते हैं, बट ये काफ़ी लंबी अंदर गुफा है। वो जो झंडा दिख रहा है वो आधी दूरी पे है, इससे दोगुना हम आए थे और अब हमें उतना वापस भी जाना है। कुछ ऐसी रोड है यहाँ पे, यहाँ आने के बाद पूरा बंद सा हो जाता है, मगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है, थोड़ी हिम्मत जुटानी है और चढ़ना है ऐसी ऊंचाइयों पे। भूतेश्वर घूमने के बाद हम जाना चाहते थे अजयपाल जी के मंदिर, और ये रास्ता जंगल से होते हुए जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली हम वो रास्ता भूल गए। और इस तरीके से घूमते घूमते कुछ हम यहाँ पे भटक चुके हैं, काफ़ी देर से ऐसे जंगल के अंदर अंदर चारों तरफ बस भटक रहे हैं, कहीं रास्ता भूल चुके हैं हम लोग। ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इस ऊंचाई पर जाते हैं, देखते हैं। पूरा पूरा एक घंटा यहाँ जंगल में भटकने के बाद अब मुझे रास्ता दिखा है, और अब हम आ चुके हैं अजयपाल जी के मंदिर। ये है उनका मंदिर। भगवान अजयपाल की जो प्रतिमा है वो यहाँ नहीं होती, वो साल में सिर्फ एक बार मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर होती है। सुबह सुबह मकर संक्रांति के दिन यहाँ मेला लगा हुआ होता है, आसपास सारे गाँव के लोग होते हैं जो यहाँ पर इस तालाब में डुबकी लगाते हैं। उसके बाद अजयपाल जी की यहाँ पूजा होती है, और 14 जनवरी के बाद उनकी प्रतिमा वापस यहाँ से हटा ली जाती है। तो अगर आप उनके दर्शन करना चाहते हैं तो आपको 14 जनवरी के दिन ही आना होगा। और अब हम आ गए हैं रंग महल की तरफ, मैं दिखाता हूँ आपको रंग महल। वैसे तो ये कलरलेस है बट इसको रंग महल बोला जाता है। बस थोड़ा सा ये जर्जर हो चुका है, आर्किटेक्चर इसका कितना बढ़िया है, सारे पत्थर बस एक एक में सेट किए गए हैं। मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ। ऐसे ऐसे यहाँ पे चार महल हैं, चारों को इन्हें रंग महल बोला जाता है यहाँ पे। और यहाँ से इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है,
यहाँ पे एक तालाब भी है और बहुत ज़्यादा बढ़िया हवा आ रही है। बिल्कुल इसका नाम रंग महल नहीं, शायद हवा महल होना चाहिए। इतनी बढ़िया हवा आ रही है और इतना बढ़िया यहाँ सुकून है, इस जगह में शांत जगह। आप यहाँ आके कुछ टाइम बैठें, ठंडी हवा लें, आप एकदम तरोताज़ा हो जाएंगे, सारी थकान आपकी दूर हो जाएगी। एक रंग महल मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं आपको बाकी के भी दिखाता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ पत्थरों का बना हुआ है, देखें एक के ऊपर एक पत्थर रखे गए होंगे। बस इसका रखरखाव नहीं किया गया, कुछ सालों तक यहाँ पे कोई इसकी देखरेख नहीं होती थी। अब तो जाके यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसकी देखरेख शुरू की है, अब यहाँ पे गार्ड भी हैं। एक रंग महल आप ये देखें, यहाँ पे कलाकृतियाँ कितनी ज़्यादा अच्छी बनाई गई हैं। यहाँ पे देखिए हर पत्थर में छोटी छोटी कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। जिन्होंने ये शिल्पकारी की होगी वो कितने ज़्यादा महान लोग होंगे जिन्होंने ऐसे किले बनाए, और ऐसी संस्कृति आज हमारे लिए छोड़ गए हैं वो। हम एक ऐसे भारत के जन्मभूमि में रह रहे हैं जिसका इतिहास संस्कृति बहुत ही रिच है। उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे